आपकी कुकिंग एक्सपर्ट अनीशा और आप देख रहे हैं कुकिंग गैलरी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। हमारे शो लाइव, आप हमें लाइव देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पे। हमारे फोन नंबर आ रहे हैं जी, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और कॉल करके फरमाइश भी कर सकते हैं। और इसी के साथ एक नई खबर जो सबको मिल चुकी है जी, वो ये नई खबर, एक तो मेरा शो लाइव, आप हमें लाइव कॉल करके फरमाइश भी कर सकते हैं, और एक नई खबर ये कि गर्मियां आ चुकी है जी, अब गर्मियों के खाने भी आएंगे। वैसे गर्मियों में जो खाने खाने चाहिए वो उनकी तासीर ठंडी होनी चाहिए, यानी कि आप सब्जियां खाएं, सैलेड खाएं, लौकी खाएं, लौकी की ठंडी तासीर होती है, फल ज्यादा से ज्यादा खाएं, पानी बहुत ज्यादा पिएं, क्योंकि गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है लोग पानी कम पीते हैं और उसकी वजह से वीक बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा जल्दी लो हो जाता है, और इसलिए आपको पानी गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा पीना है, फल ज्यादा से ज्यादा खाएं और सैलेड खाएं, और इसके अलावा सब्जियां भी खाएं, यानी आप ज्यादा गोश्त पे कोशिश करें कि गोश्त ही खाते रहे, वैसे खाएं क्योंकि आज मैं कीमा मटर बना रही हूँ, तो सब्जियां भी खाएं गोश्त भी खाएं, पर थोड़ा देख के हर वीक में एक बार आप गोश्त ले लें, फिर चिकन ले लें इस तरह, और बीच में दो तीन दिन आप सब्जियां खाएं और दालें भी खाएं। तो आज हम क्या बना रहे हैं जी? आज हम बना रहे हैं मजेदार चटपटा कीमा मटर, क्योंकि कीमा मटर हर घर की फरमाइश होती है और हर घर में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, और मटर जो है वो बड़े जबरदस्त आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज कीमा मटर बना लें। तो सबसे पहले आप नोट कर लें हमें क्या क्या चीजें चाहिए जी। आपको बताती चलूं कि हमने मशीन का कीमा लिया है आधा किलो, और इसके साथ हमने लिए 2 अदद प्याज बड़े साइज के, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने लिया है 3 टेबल स्पून, दही हमने लिया है 1 पाव, साबुत गरम मसाला हमने लिया है 1 टेबल स्पून, साबुत लाल मिर्च हमने लिए 5 से 6 अदद, सफेद जीरा हमने लिया है 1 टेबल स्पून, नमक हसबे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टेबल स्पून, मटर हमने लिए हैं 1 कप, यानी कि आधा किलो आप ले लें तो 1 कप तकरीबन बन जाएंगे, टमाटर हमने लिए हैं 2 अदद, हरी मिर्च हमने लिए हैं 5 से 6 अदद, पुदीना हमने लिया है, पुदीने की चंद पत्तियां ली हैं, और ऑयल हमने लिया है तकरीबन 7 टेबल स्पून। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कढ़ाई रख देते हैं और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। कढ़ाई ले लेते हैं, सबसे पहले कढ़ाई रखते हैं और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, और ये देखिए जी ये यहाँ रखते हैं, और ये बताती चलूं कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे हमारा लाइव शो का नंबर आ रहा है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि कढ़ाई गर्म होगी तो हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, और ऑयल डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे जी लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक का पेस्ट इसलिए डाला जाता है कि ऑयल के अंदर अच्छी सी खुशबू आ जाए और जो गोश्त की जो कीमे की जो हीक होती है उस हीक को खत्म किया जाए। ठीक है जी, अब कढ़ाई जो है इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। और अच्छा ये बात मैं आपको बताती चलूं कि आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसको ज्यादा आप ऑयल में ना फ्राई करें, वरना वो ब्राउन हो जाएगा, और ब्राउन होने के बाद उसका जायका जो है वो कड़वाहट की तरफ चला जाएगा, जो कि आपके कीमे के जायके को खराब करेगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले ऑयल में डालते हैं हम लहसुन अदरक का पेस्ट, और ऑयल मैंने जो कीमे के लिए अभी डाला है वो डाला है तकरीबन 4 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून हमने बचा लिया है, किस लिए बचाया है वो भी आपको बताएंगे, वो कहाँ यूज होगा ये भी आपको बताएंगे। और सबसे पहले हम डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, जो जबरदस्त सा आज बड़ा अच्छा सा बना है, और इस तरह का लहसुन अदरक का पेस्ट बनना चाहिए, पानी आप ज्यादा ना डालें, आपकी कोशिश हो कि आप जब भी लहसुन अदरक का पेस्ट बनाएं तो पानी बहुत कम डालें। ठीक है जी, चलें जी ये लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया, और अच्छे से करते हैं इसको थोड़ा सा ऑयल में। आ हा हा, क्या जबरदस्त खुशबू आई है जी, मजेदार वाली खुशबू, जब आ जाए आपको लगे कि अच्छी सी ऑयल की खुशबू, ऑयल में लहसुन अदरक की पेस्ट की खुशबू आ गई, तो फिर आपने ये कीमा जो है ये डाल देना है। ठीक है जी, इस तरह से डालने के बाद और आपने कढ़ाई पकड़ के कीमे को इस तरह से करना है ताकि गुठलियां ना बने कीमे की, क्योंकि अमूमन ये होता है जब आप ऑयल में डालते हैं कीमा और उसको अच्छी तरह मिक्स ना करें, वो गुठलियां गुठलियां बन जाता है। अच्छा जी, इसी टाइम पे मैं क्या करूँगी, इस टाइम पे मैं इसके अंदर डालूंगी साबुत गरम मसाला, तेजपात, दालचीनी, लौंग, बड़ी वाली इलायची होती है ब्लैक वाली जो गरम मसाले में होती है वो डालेंगे, और काली मिर्च साबुत। ठीक है जी, ये चीज़ें चली गई तो हमने करना है अच्छी तरह मिक्स, और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने कीमे की करनी है अच्छी तरह भुनाई, क्योंकि कीमे की जो हीक है वो भुनाई से ख़त्म होगी। तो यहाँ हो रही है कीमे की भुनाई अच्छे से, दूसरी तरफ हमारा चूल्हा चल रहा है, यकीनन उस चूल्हे पे भी कुछ जाएगा, क्या जाएगा वो भी आपको बताते हैं। हम दूसरी कढ़ाई लेते हैं और वो चूल्हे पे रखते हैं,
ठीक है जी। ये दूसरी कढ़ाई आ गई हमारी और ये भी चूल्हे पे आ गई और इसकी भी हीट हम बढ़ा देते हैं ताकि कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने 4 टेबलस्पून यहाँ डाल दिया ऑयल और 3 टेबलस्पून हम इस कढ़ाई में डालेंगे और यहाँ हमने जो डाली है चीज़ें ऑयल लिया 4 टेबलस्पून, इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर हमने डाला कीमा, कीमा के बाद हमने डाला जी साबुत गर्म मसाला, वो भी आपको बता दिया साबुत गर्म मसाले में क्या क्या चीज़ें मौजूद थी, ठीक है जी। और इन चीज़ों को हम थोड़ा साइड पर करते हैं, अपने किचन को भी आप साथ साथ साफ करते रहें ताकि आपको कुकिंग करने में बहुत आसानी हो। चले जी, ये देखें, आप ये देख सकते हैं कि कीमे का पानी जो है वो निकलना शुरू हो चुका है। जैसे कीमे का पानी बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा उसके बाद ऑयल आ जाएगा, फिर उस ऑयल में जो भुनाई होगी कीमे की उससे ये होगा कि कीमे की हीट जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, कुछ लोगों का ये बड़ा प्रॉब्लम होता है और अक्सर कॉल आती है, वो यही कहते हैं कि हम जितनी भी भुनाई करें, हम जितना भी लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, हम जितना भी गर्म मसाला डालें, गोश्त में से हीट खत्म नहीं होती, थोड़ी बहुत रहती है। उसकी वजह ये होती है कि आप जो गोश्त ले रहे हैं वो फ्रेश नहीं होता। आप जब भी लें आपकी कोशिश हो कि आप फ्रेश लें, फ्रेश जो चीज़ होती है उसकी स्मेल इतनी नहीं होती। हो सकता है कि आप जहाँ से ले रहे हैं गोश्त वो फ्रेश ना हो, एक दिन पहले का हो, इस वजह से उसके अंदर हीट रह जाती है, ठीक है जी। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रख लें, जगह थोड़ी सी चेंज कर लें, कहीं और से लेके देखें आप, ठीक है जी। यहाँ कीमे का ये निकल रहा है जी पानी, हीट हम यहाँ बढ़ा चुके हैं, ठीक है जी। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि कढ़ाई गर्म हो चुकी है और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं जी ऑयल। ऑयल हम डालेंगे 3 टेबलस्पून। ये डालने के बाद हम क्या करेंगे जी, प्याज, प्याज हमने जो कटिंग करके रखा है वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। जबरदस्त ही मज़ेदार बड़ा आला कीमा मटर बनेगा, आप यकीन जाने जब आप इस कीमे मटर को खाएंगे ना, फिर आप मुझे एक कॉल करके कहेंगे कि वाकई मज़ा आ गया जी, ठीक है जी। ये देखें हमने डाला इसके अंदर प्याज और प्याज को अच्छा सा कलर देना है, ठीक है। दूसरी जाने में हमारा कीमा तैयार हो रहा है और कीमा जो है मशीन का होता है तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी टाइम इतना नहीं लेता और जल्दी कुक हो जाता है, और अगर आप हाथ का कीमा लेते हैं यानी कि हाथ के जो हाथ से जो कूटा हुआ होता है कीमा, वो थोड़ा मोटा मोटा होता है और उसमें ये होता है कि टाइम लगता है कुक होने में, तो आप कोशिश करें अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप मशीन का कीमा लें, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी तरफ हमारा कीमा भी हो रहा है और इस तरफ हमने ये डाल दिया जी प्याज, प्याज हो रहा है जब तक, तो हम लेते हैं सफ़ेद ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून हम डालेंगे जी कीमे के अंदर ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए हमारे कीमे के अंदर भी, ठीक है जी। और ये दही जो है अभी बाकी है, दही भी हम डालेंगे, किस चीज़ में डालेंगे, किस टाइम डालेंगे वो भी आपको बताएंगे। ये देखिए जी, आहा मज़ेदार जी, आला ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये देखें कीमे का पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता आने लग गया है, ये देखिए ज़बरदस्त जी। नाज़रीन आपको बताती चलूँ, अगर आप मुझे कोई रेसिपी ऐसी है जो आप चाहते हैं कि मेरे स्टाइल से मेरे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। जैसे कि गर्मियाँ आ चुकी हैं, तकरीबन कराची में तो आ ही चुकी हैं, तो आप अगर चाहते हैं कोई गर्मी का ऐसा खाना जो कि बड़ा ठंडा ठंडा हो, खा के बड़ा सुकून आए, तो वो मुझे आप ज़रूर बोलें, तो मैं इंशाल्लाह आपको अपने स्टाइल से वो रेसिपी बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। और प्याज का आप देखिए हल्का हल्का कलर आना शुरू हो चुका है, जैसे ही हल्का सा कलर और आएगा तो इसके अंदर क्या जाएगा वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल हम कीमे का करते हैं जी कीमे की ज़बरदस्त सी भुनाई। आ हा क्या खुशबू आ रही है, आप यकीन जाने जो लोग कहते हैं कि हीक आती है आप फ्रेश जगह से लें, यकीनन हीक बिल्कुल भी नहीं आएगी, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कीमे से भी, कीमे में से, क्योंकि इसके अंदर जो गर्म मसाला गया है, जो लहसुन अदरक का पेस्ट किया, उसने बहुत अच्छी खुशबू पैदा कर दी है इसके अंदर। और ये बात भी आप यकीनी याद रखें, हमेशा याद रखें कि लहसुन अदरक के पेस्ट को बहुत ज़्यादा भुनाई ना करें, क्योंकि जब ज़्यादा भुनाई करेंगे तो होगा कुछ यूँ कि लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा, जो कि आपके खाने के टेस्ट को ख़राब करेगा, सही है जी। ये देखिए, आह मज़ेदार जी, ज़बरदस्त, बहुत ही आला। अच्छा जी, मटर जो है हमारे पास मौजूद हैं, मटर भी हमने डालने हैं। मटर हमने कहाँ डालने हैं जी, मटर हमने डालने हैं प्याज वाली कढ़ाई में, और मटर को हमने हल्का सा अलग फ्राई करना है ताकि मटर के अंदर एक अच्छा सा ऑयल के अंदर जाके एक फ्लेवर आ जाए, ठीक है। ये देखें कीमे का पानी तकरीबन खुश्क होना शुरू हो चुका है, और जैसे ही खुश्क हो जाएगा तो कीमा जो है वो भुनाई की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और अब प्याज का कलर भी चेंज होना शुरू हो चुका है, ठीक है। ये देखें जबरदस्त, जबरदस्त जी। और अच्छा जी,
कीमे की जब भुनाई होना शुरू होगी तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने क्या डालना है। हमने इसके अंदर डालने हैं जी टमाटर। चलें जी टमाटर डालते हैं, बारीक बारीक स्लाइस करके हमने टमाटर रखे हुए हैं, तकरीबन बड़े साइज के दो, छोटे साइज के दो अदद टमाटर। कुछ ऐसा होता है कि मसाले वाले जब खाने बन रहे हो तो थोड़ा सा अब ब्रेक की तरफ भी जाएंगे, पर ब्रेक पे जाने से पहले मैं मटर डाल देती हूँ इसके अंदर और फिर हम एक छोटी सी ब्रेक भी लेंगे। और ये डाल रहे हैं जी हम प्याज के अंदर मटर, और मटर को डालने के बाद हल्की सी भुनाई करेंगे। चलें जी ये प्याज चला गया, और चलो प्याज ब्राउन हल्का सा हो गया, गोल्डन ब्राउन के बाद मटर चले गए, मटर जाने के बाद दूसरी तरफ टमाटर चले गए कीमे के अंदर, और अब आ गया ब्रेक का टाइम भी। तो कहीं ना जाएं, देखते रहें कुकिंग गैलरी, मजेदार कुकिंग हो रही है, तो देखते रहें हमारा शो। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं बिल्कुल, और अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे, और मसालों में क्या क्या चीज डालेंगे जी वो आपको बताते चले। ब्रेक में हमने कोई चीज नहीं डाली, सब चीजें मैंने रखी हुई है, मैंने सोचा कि आपके सामने ही डालूंगी ताकि आपको पता चले हम क्या क्या टेस्ट दे रहे हैं अपने कीमे मटर को। नमक डालते हैं हसबे जायका, ठीक है। नमक के बाद हम डालेंगे पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हम डालेंगे। हल्दी हमने डालनी है 1 टीस्पून, और पिसा गरम मसाला भी हमने डालना है जी 1 टीस्पून, और इसकी करनी अच्छी तरह मिक्सिंग। आप नाजरीन ये टमाटर की तरफ जरा मटर की तरफ देखेंगे, मटर का कलर कितना जबरदस्त हो रहा है, और देखिए आप मटर कितने जबरदस्त ग्रीन ग्रीन लग रहे हैं। और ये कीमा जो है, कीमे की भी भुनाई बड़ी जबरदस्त हो रही है, मजेदार हो रही है, मसाले वे सारे कीमे के अंदर जा चुके हैं, और अब क्या जाएगा कीमे के अंदर वो आपको बताते चले। अब कीमे के अंदर जाएगा जी दही, ठीक है जी। ये देखिए जी जबरदस्त मजेदार, ये देखिए जी अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करनी है। अब हम ढक देंगे कीमे को ताकि दही के पानी में कीमा अच्छी तरह पक जाए। और दूसरी जानिब जो हमारे मटर हैं, मटर भी अच्छी तरह ऑयल में पक रहे हैं प्याज के अंदर, और अब हम इसके अंदर डालेंगे जी पुदीना। पुदीने की हम डालेंगे चंद पत्तियां जो हम उतार लेते हैं जी डंडियों से, क्योंकि इसकी डंडियां जो होती है पुदीने की वो थोड़ी सी सख्त होती है, और उससे ये होता है कि वो गलती नहीं है और वो मुंह में आती है तो बहुत अजीब सा लगता है, तो इसलिए मैं डंडियां हटा देती हूँ और पुदीने की पत्तियां ले लेती हूँ। और पुदीने की पत्तियों की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है, तो ये आप ज़रूर डालें। ये देखिए जी ज़बरदस्त, और दूसरी जानिब हमारा कीमा जो है वो मज़ेदार सा तैयार हो रहा है, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और इंशाल्लाह कल भी हम आपको कुछ अच्छा सा बनाना सिखाएंगे, मज़ेदार सा खुशबूदार सा, और टेस्ट में भी यकीनन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए जी पुदीना गया अब इसके अंदर, ये देखिए ज़बरदस्त। मटर के अंदर हमने पुदीना भी डाला, प्याज भी डाला, और उसको ऑयल में हम पका रहे हैं। और पुदीना क्यों डाला हमने मटर के अंदर, ताकि अच्छी तरह पुदीने की खुशबू आ जाए मटर के अंदर। और अब हम मटर की थोड़ी सी करेंगे अच्छी सी भुनाई, ताकि मटर जो है अच्छी तरह डन हो जाए, और उसके बाद हम इसको कीमे में डाल दें, ठीक है। ये देखिए ज़बरदस्त, और मटर के कबाब भी बहुत मज़ेदार बनते हैं, वो कैसे बनते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आगे आपको बनाना सिखाऊंगी। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि आने वाले हफ्तों में मैं एक हफ्ता ऐसा रखूँ जो कि हम कबाब बनाएं, सिर्फ कबाब वो कीमे के ना हो, वो सब्जी के हों, जिसमें सरसों का साग बहुत शौक से खाया जाता है, अमूमन हर घर में खाया जाता है सरसों का साग। तो सिर्फ आप सरसों का साग क्यों खाएं, आप सरसों के कबाब क्यों ना खाएं, तो सरसों के साग के कबाब भी मैं आपको आगे बनाना सिखाऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप सरसों के कबाब भी सीखें,
तो आप मुझे कॉल करके ज़रूर बताएं, तो मैं इंशाल्लाह सरसों के साग के कबाब भी बनाना आपको सिखाऊंगी, और इसके अलावा पूरा हफ्ता आपको कबाबों की रेसिपी दूंगी, क्योंकि कबाब बहुत लोग शौक से खाते हैं और सिर्फ उनके पास चंद रेसिपीज़ हैं कबाबों की, ज़्यादा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ आपके पास अच्छी एक कबाबों की रेंज आ जाए, तो मैं आपको कबाबों की रेसिपी भी मज़ेदार वाली सारी दूँगी, ठीक है। और अब ये देखें कीमे का कलर आप देखें कि कितना ज़बरदस्त आ चुका है, आहा, और खुशबू तो आप ना पूछें कि क्या मज़ेदार खुशबू है। और अब हम क्या करेंगे, ये मटर उठाएंगे यहाँ से और ये डालेंगे कीमे के अंदर, ठीक है। हाँ हाँ, और ये चूल्हा हम बंद कर लेते हैं मटर वाला, मज़ेदार जी, आला। थोड़ा सा अगर आप रेसिपी मेरे स्टाइल से अगर बनाएं, कुछ चेंज करके बनाएं, तो आप देखें कि खाने का जायका ही अलग हो जाएगा। ये देखें मज़ेदार, ज़बरदस्त। और कुछ लोग ऐसा होता है, बल्कि ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि जब मटर का मौसम आता है तो काफ़ी सारे मटर लेके छील के फ्रीज कर देते हैं, क्योंकि जब मटर का मौसम चला जाता है तो फिर भी दिल करता है कि क्यों ना मटर कीमा खाया जाए, मटर पुलाव खाया जाए, इस टाइप की चीज़ें। तो मटर जो है काफ़ी लोग छील के सेव कर लेते हैं, तो आप छील के सेव कर लें, क्योंकि आगे मैं इंशाल्लाह जब मटर का सीज़न चला भी जाएगा तो आपके पास सेफ रहेंगे, तो मैं जब रेसिपी दूँगी तो आप मज़ेदार मटर के साथ अच्छे से खाने खा सकेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली, हाँ हाँ हाँ। अब क्या है कि डन तो हो चुका है हमारा कीमा मटर, पर हमने करनी है मज़ेदार वाली इसकी भुनाई, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए खाने में और भुनाई से टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है जी। अब ये कढ़ाई हम पीछे रखते हैं, चले जी। अच्छा, आपको ये भी बताती चलूँ कि हमने जो कीमा मटर बनाया है इसके अंदर पानी हमने बिल्कुल नहीं डाला, कीमा अपने पानी में पक गया, फिर दही का पानी गया उसमें पक गया, टमाटर डाले टमाटर का थोड़ा सा पानी निकला उसमें वो पक गया, तो कीमा मशीन का हो तो उसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो अपने पानी में गल जाता है, ठीक है। ये देखिए आहा, क्या मज़ेदार, और देखिए आप ग्रीन ग्रीन मटर के कलर कितने ज़बरदस्त आया हुआ है, क्योंकि ये जो हमने ऑयल में इसको फ्राई किया है उससे इसका कलर वैसे का वैसा ही है और टेस्ट भी यकीनन बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे जी हरी मिर्चें, हरी मिर्चें बहुत मज़ेदार लगती है जब आप भुनाई के टाइम डालें तो एक खुशबू जो आती है वो बहुत ही आला आती है, ठीक है जी। ये जा रही हैं हरी मिर्चें, आहा, भुनाई हमने ज़बरदस्त करनी है। और ऑयल अगर आप देखें कि ऑयल हमने कितना डाला है, ऑयल हमने इतना ही डाला है कि जिसमें वो कुक हो गया, एक्स्ट्रा ऑयल आपको कढ़ाई में नज़र नहीं आएगा, अगर आप कढ़ाई देखें तो आपको अभी भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं नज़र आएगा, आपको उतना ऑयल नज़र आएगा जिसमें कुकिंग हो गई है। चलें जी हम देखें, अच्छी सी भुनाई कर रहे हैं मज़ेदार सी, और ये देखें आहा हा, ज़बरदस्त। एक बार रिकैप दे देते हैं जब तक हमारी भुनाई कंप्लीट हो रही है, जब तक रिकैप हम एक बार दे देते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने अभी लगाया हो हमारा शो और अभी देखा हो और उन लोगों को ना पता हो कि ये रेसिपी स्टार्ट से कैसे बनी है। तो हम आपको बताते चले कि हम बना रहे हैं आज मज़ेदार मटर कीमा, चटपटा मटर कीमा। और मटर कीमे को हमने बनाने के लिए क्या रेसिपी फॉलो की, जो कि आप करेंगे। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई रखी, उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसके बाद हमने कीमा डाला और साबुत गरम मसाला डाला और अच्छे से कर दी भुनाई, ठीक है जी। दूसरी तरफ हमने दूसरी कढ़ाई रखी जिसके अंदर हमने प्याज गोल्डन ब्राउन किया और उसके बाद उसके अंदर मटर डाल दी, ठीक है जी। मटर डालने के बाद हमने उसको ढक दिया ऑयल में, उसको पकने दिया। फिर हम आ गए कीमे की तरफ, हमने कीमे के अंदर डाला जी जीरा, टमाटर की अच्छे से भुनाई की, मसालों में हमने नमक, लाल मिर्च, हल्दी, पिसा गरम मसाला और जो है हमने ये चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह भुनाई और पकने के लिए रख दिया, ठीक है। फिर आ गए हम मटर की तरफ, मटर को हमने अच्छी तरह चम्मच चला के जब देखा कि मटर अच्छी तरह हाफ डन हो चुके हैं, तो फिर हमने मटर लेके हमने कीमे में डाल दिए और हमने डाला जी पुदीना भी, मटर के अंदर ही डालना है ताकि पुदीने की अच्छी खुशबू मटर के अंदर आ जाए। फिर वो मटर हमने कीमे के अंदर डाले और फिर हमने कीमे के अंदर डाली जी हरी मिर्चें मज़ेदार सी, और अब इसके अंदर शामिल कर दें जी साबुत लाल मिर्चें 3 से 4 अदद, ठीक है। आहा, मज़ेदार जी, आला, क्या खुशबू है और क्या टेस्टी ये मटर कीमा बना है। और कुछ लोग अगर सफ़र पे जा रहे हो तो ये मटर कीमा आप ले जा सकते हैं, क्योंकि ये देखिए कितना भुना भुना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम जब सफ़र पे जाते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम होती है, हम वो खाना लेके जाएं जो भुना भुना हो ताकि गिरने का ख़तरा ना हो। तो ये कीमा मटर आप ले जा सकते हैं, क्योंकि टेस्टी भी है, मज़ेदार तो है ही है। इसके साथ ये जो मसला होता है थोड़ा सफ़र में कैसा खाना खाना चाहिए, तो वो भी बड़ा बेस्ट है इसके लिए भी, ठीक है। अब हमारी रेसिपी बिल्कुल डन हो चुकी है, रिकैप हम आपको दे चुके हैं,
और अब हम निकालेंगे कीमे मटर को एक प्लेटर में, सही है जी। तो अब हम लेते हैं एक प्लेटर और प्लेटर के अंदर निकालते हैं जी कीमा मटर। चूल्हा हम अपना बिल्कुल बंद करते हैं। आहा जबरदस्त मज़ेदार, क्या आला खुशबू है, मज़ेदार बहुत ही ज़बरदस्त, और कलर भी बहुत आला आया है, खुशबू भी बहुत मज़ेदार आ रही है इसकी। ये देखिए जी, ठीक है। अब हम एक खूबसूरत सी हरी मिर्च रखेंगे क्योंकि हरी मिर्च बड़ी मज़ेदार लगती है, प्लेटर में रखी हुई। चलें जी, अब यूं हम लगाते हैं जी टमाटर, ठीक है जी, ठीक है। ये देखें जी, थोड़ा सा पुदीना भी लगा देते ताकि हरा भरा लगे ना, हरा भरा लगेगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा, ठीक है जी। ये हमारा प्लेटर हो गया बिल्कुल तैयार, ठीक है। और एक मिनट टिश्यू से हम साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा प्लेटर साफ सुथरा सा लगना चाहिए, साइड पे कोई भी, आप जब भी प्लेटर आपने घर भी बनाते हो तो कोशिश करो कि बहुत अच्छा सफाई से आप उसको तैयार करो ताकि जब दस्तरखान पे जाए तो बहुत अच्छा लगे। आज की हमारी रेसिपी थी जी कीमा मटर की। कीमा मटर बहुत मज़ेदार होता है, हर घर में खाया जाता है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए आज मैंने कीमा मटर बनाया। और इंशाल्लाह कल हम बनाएंगे मज़ेदार सा कुछ अच्छा सा खाना, ऐसा खाना जो कि आप बहुत ज़्यादा पसंद करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी कोई ऐसी रेसिपी बनाऊं जो कि आपके घर में बनती है और आप चाहते हैं कि मेरे स्टाइल से यहाँ पे बने, तो मैं आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए आपको करना कुछ ये होगा कि आप मुझे लाइव कॉल करें मेरे नंबर पे जो हम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, यानी कि हमारे लाइव शो के नंबर पे, मेरे फ़ोन नंबर पे नहीं, और आप लाइव कॉल करके मुझे बताएं कि मुझे आपको क्या बनाना सिखाना है जो कि आपको पसंद है, तो वो मैं आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। रोज़ हम कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा बनाते रहेंगे। और हमारे शो का भी टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है और इजाज़त लेने का भी टाइम आ गया है क्योंकि अब मेरी भी छुट्टी हो रही है, मैं भी घर जाकर मज़ेदार सा खाना बनाऊंगी। और कल जब आऊंगी तो कल भी कुछ मज़ेदार सा लेके आऊंगी, अच्छा सा होगा, चटपटा सा होगा जो कि आपको बहुत पसंद आए, और फिर जब आप घर में बनाएं तो आपके घर वालों को बहुत पसंद आए। तो शो का टाइम ख़त्म होता है, इजाज़त लेते हैं, अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।